हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट कैंडी पे। तो देखिए, आज बनाने जा रहे हैं आंवला कैंडी। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए आपको कौन सा आंवला लेना पड़ता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि आंवला कैंडी लेने के लिए एक तो आंवला साफ होना चाहिए, कोई दाग धब्बे का आंवला नहीं होना चाहिए, और बड़े वाला आंवला होना चाहिए। तो आंवले को पहले धो के वॉश करके ले लिए, और इसमें देखिए कई आंवले दाग धब्बे वाले हैं तो ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, उनको कट करके ले लेना है। जैसे ख़राब है उनको कट करके डाल देना है इसके अंदर। तो ये देखिए 1 किलो आंवला ले लिए, तो आंवले को इसके अंदर डाल दिया है कुकर में। तो आप भगोने में भी आंवले को पका सकते हैं, या आप कुकर में जैसे 1 सीटी आने लगे तब तक आंवले को पका के तैयारी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो इसमें पानी इतना डालना है कि आंवले अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें देखिए पानी डाल दिया है, और अब कुकर को बंद करके गैस को रख देते और गैस के फ्लेम को कर देते ऑन। तो इसमें देखिए 1 सीटी आने लग गई है, ये देखिए 1 सीटी आने लग गई है। जब भी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और थोड़ी देर इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो कुकर की सीटी निकल गई है, और अब इसको निकाल लेते। तो पानी से निकाल के और बाहर रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इनकी देखिए हाथों से आप दबाओगे तो अपने आप इनकी एक एक फान खुल जाएगी। तो आपको पानी हटा देना है। तो ये पानी बचा हुआ जैसे पीछे पानी है तो वो भी आप यूज में ले सकते हैं, आप पी भी सकते हैं ठंडा करके, और नहीं आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको फेंक दीजिए। तो ये देखिए आंवले थोड़ा ठंडा हो जाए, जैसे हाथ टच कर सकते हो आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके और फिर आप हल्का सा जैसे ऊपर से दबाओगे तो इनकी एक एक फांकी खुल जाएगी। वैसे देखिए हल्का सा दबाना पड़ता है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाए इतना नहीं पकाना है, इतना ही पकाना है कि ऊपर से आप ऐसे दबाओ अंगूठे की सहायता से तो इनकी एक एक फांकी खुल के तैयारी हो जाए। तो सारे आंवले को ऐसे खोल के और तैयारी कर लेती हूँ। तो ये कैंडी बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी है घर पे कैंडी बना की, और आप 1 साल तक आप स्टोर करके इसको रख सकते। तो ये देखिए ये एक पतीले के अंदर इसको डाल लिया है, तो कोई भी आप पतीले के अंदर या कढ़ाई के अंदर आप डाल सकते हो। अब इसके अंदर डाल देती हूँ 700 ग्राम चीनी। जैसे 1 किलो आंवला लिया है तो इसके अंदर डाल रही हूँ 700 ग्राम चीनी। आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको थोड़ी कैंडी कम मीठी पसंद है तो आप इसकी जगह आप 100-150 ग्राम चीनी कम भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। तो अब देखिए अच्छे से मिक्स कर देते। तो इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल के और मिक्स करके अब इसको रख देते साइड में। तो आप ऐसे मिक्स करके अब रखना है, तो आप देखिए धूप में भी रख सकते हैं, आप धूप में रख लीजिए और 4-5 दिनों के लिए आप इसको इस चाशनी के अंदर ही रहने दीजिए। तो 4-5 दिन, ये देखिए लगभग 6 दिन इसको हो गए हैं। 6 दिन बाद में देखिए मैं कैंडी बाहर निकालती हूँ, तो बहुत ही अच्छी कैंडी बनी है। और इसका कलर देखिए, नींबू डालने से क्या होता है कि इसका कलर फेड नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। तो चाशनी से निकाल के आप जैसे इसको छान के भी निकाल सकते हैं, जैसे झरिए के ऊपर कैंडी निकाल लीजिए और छान के फिर ऐसे आप इसको सुखाना है। तो अब 2 दिन आप अच्छे से इसको सुखा सकते हैं, जैसे दिन में 2-3 घंटे धूप में रखती है और फिर छांव में सुखा के और तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए ज़्यादा धूप नहीं आती है तो मैंने इसको छांव में सुखाया है, जैसे 15-20 मिनट इसको धूप में रखा और फिर ऐसे ही छांव में इसको रखा। तो 2 दिन इसको सुखा के तैयारी कर लिया है। और इस कैंडी का कलर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही अच्छा टेस्टी है खाने में। तो अब क्या करना है कि ये हल्की सी इसमें थोड़ा चटपटा लाने के लिए आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं जैसे चीनी मिक्स करके। तो ये पीसी हुई चीनी है, तो इसको चीनी डाल लेनी है इस कैंडी के अंदर। चीनी डालने से क्या होता है कि कैंडी आपस में ऐसे चिपचिपी सी नहीं होएगी, एक एक कैंडी खिलकी रहेगी। तो अब देखिए इसके अंदर चीनी डाल दी है 2 चम्मच। अब डाल देती हूँ इसके अंदर काली मिर्च पाउडर, और काली मिर्च पाउडर डाल के इसमें डाल देती हूँ पिसा हुआ भुना हुआ जीरा। तो भुना हुआ जीरा
उसमें काला नमक भी डाला हुआ है और भुना हुआ जीरा भी है, ये दोनों मिक्स किया हुआ है। तो काला नमक और भुना हुआ जीरा इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर देते हो तो ये चटपटी कैंडी बनके तैयारी हो गई है। आप कोई भी एयर टाइट कांच के डिब्बे के अंदर इसको स्टोर करके और 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसका नया तो कलर फेड होएगा, ऐसे ही इतना अच्छा इसका कलर रहेगा और खाने में बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनके तैयारी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो जब भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और आप भी कैंडी बना के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी भी कैंडी कैसी बनी है, और आपको कोई भी चीज़ की डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।